हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर से। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट इस बार हमने स्क्रीन पर नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट दी है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करता हूँ एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को, और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे आपके साथ हम। तो देखिए जी, क्वेश्चन हमें कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो 5:3:2। तो हमारे पास जो पीएसआर है वो 5:3:2 है। आगे क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च। अब इनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1:20 के, यानी 1,20,000 के। कैपिटल दी है तीनों पार्टनर्स की, ए की कैपिटल है 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 2,50,000, सी की कैपिटल है 1,50,000। कंबाइंड इनकी सभी की कैपिटल कितनी आ गई, 8 लाख रुपीज आ गई लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आइए एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया हुआ है 34,000 रुपीज, सन्ड्री डेटर्स हैं 1,50,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके दिखा रखा है 9,000 रुपीज। ठीक है, तो डेटर्स में से प्रोविजन माइनस किया तो नेट अमाउंट हमने मेन कॉलम में रखा है, अमाउंट कॉलम में 1,41,000। उसके बाद स्टॉक बैलेंस शीट में 1,45,000 का दिखाया हुआ है, प्लांट जो है 2 लाख रुपीज का है, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज की है। आगे क्वेश्चन कहता है ए रिटायर्स ऑन दिस डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। तो इस बिजनेस में जहां पे तीन पार्टनर थे ए बी सी, उसमें से ए रिटायर हो रहा है जी, और कुछ एडजस्टमेंट्स करने को बोला है इस रिटायरमेंट के समय। पहले कहता है बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स हो गए हैं जी तो उन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा, डेटर्स को आपको खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। हमारे पास प्रोविजन का जो एग्जिस्टिंग रेट है तो हमें रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में रेट नहीं दिया कि किस रेट से आपने प्रोविजन बनाया है। तो आपको जो नए डेटर्स हैं या बैड डेट होने के बाद जो डेटर्स बने हैं उन पर सेम प्रोविजन का रेट लगाना होगा जो आप पहले लगाते थे। ये हम वर्किंग में करेंगे आपके साथ। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड था क्रेडिटर तो अब इसे कंसिडर करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये रिवेल्युएशन का हमारा जी क्या हो गया, नुकसान हो गया। उसके बाद कहता है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेजेस। हमें लीगल डैमेजेस के लिए प्रोविजन बनाना है 25,000 रुपए का, तो ये भी हमारा लॉस ही है, लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी इसके लिए। देन पॉइंट नंबर फोर्थ में कहता है देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो 15,000 की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए लायबिलिटी बनानी है, तो ये भी एक लॉस हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी। ठीक है, पॉइंट नंबर फाइव कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 8,000 बीइंग अ लायबिलिटी नॉट पेएबल। आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिए थे, मैंने आपको बताए थे 1,20,000 के, उसमें से क्वेश्चन कहता है जी 8,000 के क्रेडिटर आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे, दे आर नॉट लायबल टू बी पेड। ठीक है, तो आपका ये बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा। इसके बाद बात करिए लास्ट एडजस्टमेंट दिया है क्वेश्चन ने, पॉइंट नंबर सिक्स, स्टॉक भी इंक्रीज बाय 15,000। स्टॉक को इंक्रीज करना है, फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देना। प्लांट टू बी रिड्यूस्ड टू 1,80,000, बाय नहीं है, कितने से करने को नहीं बोला, कहता है इतने पर ले आओ। कितने पर ले आओ, 1,80,000 पर। तो अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो प्लांट की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, 2 लाख की चीज को 1,80,000 पर लेकर आ रहे हो तो आपने उसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी, यानी आपको नुकसान हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप इसे कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात है सर, करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो करना क्या है, क्वेश्चन ने बोला है पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट्स। जो ऊपर हमने एडजस्टमेंट्स की है पॉइंट नंबर 1 to 6, उनके लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, यानी जर्नलाइज करना है, एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो आइए जी जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट करें। सबसे पहले एंट्री हम करते हैं बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की। बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है जी, क्लास 11th में सीखा था आपने ये पार्ट, ठीक है, याद हो, बैड डेट होते थे तो क्या एंट्री करते थे। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ जर्नल, ठीक है, मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आई बिलीव आपको फॉर्मेट आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, ठीक है, तो फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा अपने पास,
ठीक है, मैं सीधा जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। पहली एंट्री है जी बैड डेट होने की, बैड डेट हुए हैं तो आपका नुकसान हो गया जी। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स लिखे हैं तो सन्ड्री डेटर्स लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स लिखना है और मैं क्रेडिटर लिख रहा हूं, पता नहीं कई बार मैं कहां चला जाता हूं, मुझे भी नहीं पता चलता। ठीक है, लिखना है डेटर और लिख रहा हूं क्रेडिटर, शायद आप लोगों से बातें करते करते दिमाग इधर उधर हो जाता है। चलिए, बैड डेट्स, जो डेट बुरे थे उन्हें खत्म कर दिया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब जी ये नुकसान हो गया 10,000 रुपए का, 10,000 के डेटर्स डूब गए जी, उनसे पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं है जी। अब बात आती है सर इस नुकसान को कहां ट्रांसफर करें, क्लास 11th में तो बैलेंस शीट में सॉरी पीएनएल में ले जाते थे इसको, यहां पे आपके पास बेसिक पर बात करें तो प्रोविजन है पहले आपके पास, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपके साथ यहां कैलकुलेशन देखिएगा, ये हम वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारा वर्किंग है। सबसे पहले देखिए एग्जिस्टिंग प्रोविजन, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बोल लीजिए फॉर बैड डेट, या फिर आप बोल लीजिए ओल्ड प्रोविजन। आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन दी हुई है 9,000 रुपए की, ठीक है जी, 9,000 की प्रोविजन ऑलरेडी दी है। फिर आप कहते हैं साहब हमें तो बैड डेट भी हो गए, मैंने कहा ठीक है माइनस कर लो, बैड डेट हो गए सर, माइनस कैसे करोगे, है 9,000 और बैड डेट हो गए हैं 10,000 के, टेंशन नहीं लो मेरी बात सुनो बस, 10,000 के आपके बैड डेट्स हो गए। ये हेडिंग क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी क्रिएटेड, यानी कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास पहले से बुक्स में 9,000 की प्रोविजन है बैड डेट्स के लिए, हमने कहा हमारे बैड डेट तो 10,000 के हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जी। सुनिए अब क्वेश्चन कहता है आपको और प्रोविजन भी बनाना है, ठीक है, अब इसके लिए भी लिख लीजिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेड इन करंट ईयर। करंट ईयर में आपको कितना प्रोविजन बनाना है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हेडिंग शायद हम चेंज करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, मेरे साथ आइएगा। मैंने कहा 9,000 की आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है, 10,000 के आपके बैड डेट्स हो गए। सर 10,000 के बैड डेट्स तो हो गए, क्वेश्चन कहता है कि आपको जो रेट था प्रोविजन का उसी रेट से इस बार भी प्रोविजन बनाना है। सर अगर रेट फाइंड आउट करें, सो रेट ऑफ प्रोविजनिंग की बात करें, रेट ऑफ प्रोविजन, सर रेट कितना है प्रोविजन का, तो सुनिए हमने 9,000 पर 1,00,000 नहीं 1,50,000 पर 9,000 का डेप्रिसिएशन नहीं 9,000 का प्रोविजन बनाया था, यानी रेट निकालो जी, 9,000 पे अगर 1,50,000 था तो क्या रेट था, कैलकुलेट करो जरा इसे, ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए। हाँ जी, ये 3 से गया, ये 5 से गया, और ये 10 था तो 2 से गया, ठीक है जी, 6% का आपका प्रोविजन का रेट है, ठीक है, प्रोविजन का रेट है, तो हम कह रहे हैं भाई 6% प्रोविजन बनना चाहिए। तो आपके इस बार के डेटर्स कितने हैं, इस बार के डेटर्स पर आपने प्रोविजन बनाना है, तो मैंने कहा सर हमारे पास डेटर थे 1,50,000 के, जिसमें से 10,000 के तो डूब गए, यानी कितने रह गए जी, 1,40,000 के डेटर्स रह गए। अब 1,40,000 का 6% निकाल लो, ठीक है, 1,40,000 का 6% निकालो, 6% ऑफ 1,40,000 कितना आएगा जरा बताइए, 6% निकालो 1,40,000 का कितना है, 8,400, ठीक है, 8,400 आपको इस साल भी प्रोविजन बनाना है, यानी कि आपके पास इतना प्रोविजन ऑलरेडी है, इतने आपके बैड डेट हो गए यानी डूब गया,
तो आप इसकी रिकवरी कहां से कर रहे हैं जी? इसका इसकी रिकवरी कर रहे हैं आप बैड डेट नहीं प्रोविजन से, ठीक है। इसके बाद आपको न्यू प्रोविजन टू बी मेड, और कितना प्रोविजन बनाना है? मैंने कहा 8,400। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो सर ये तो माइनस में आ गया। ये लॉस है हमारे लिए, यानी ये प्रॉफिट से लेकर आना है अमाउंट, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी इतना प्रोविजन था, हमारा इसमें से इतना बैलेंस कम हो गया, यानी हमारे पास नेगेटिव में आ गया 1,000, ठीक है, और 8,400 और चाहिए, ठीक है। यानी 1,000 तो इस बैड डेट के लिए और 8,400 इस साल जो प्रोविजन बनाना है, यानी टोटल अमाउंट आपको 9,400 का चाहिए, जो माइनस में है। इसका मतलब क्या है? ये अमाउंट आपको चाहिए। कहां से लेंगे सर? पीएनएल से तो ले नहीं सकते, पीएनएल से ले नहीं ले सकते, तो कहां से लोगे? रिवैल्यूएशन से लोगे। क्यों नहीं ले सकते पीएनएल से? क्योंकि सर रिवैल्यूएशन चल रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, पीएनएल को क्यों बीच में लाते हो, ठीक है। पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन चल रहा है, जो भी नुकसान होगा जो भी फायदा होगा उसे कहां से भरपाई करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो ये एक प्रोविजनिंग के लिए जो प्रोविजन बनाना है उसके लिए 9,400 आपको और चाहिए, तो आप कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। चलिए जी, ये बात हो गई। अब मेरे साथ आइए, ये मैंने आगे की बात की है। अभी हमें मैंने एक तो प्रोविजन बनाने की एंट्री के लिए बात कर ली, हमने बैड डेट के साथ देख लिया, ये हमने आगे के लिए कैलकुलेशन की है। आप इन्हें वर्किंग नोट में देख लीजिएगा। ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना चार्ज करना है प्रोविजन, ये हमने वर्किंग बनाया। और यहां हमने देखा कि भाई इस साल का कितना प्रोविजन है। तो देखिए, ये बैड डेट हो गए, तो मैंने कहा इस खर्चे को कहीं तो ट्रांसफर करना होगा। मैं कहा बिल्कुल ट्रांसफर करना है। तो सुनिए ध्यान से मेरे साथ, हमारे पास प्रोविजन पड़ा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। सर प्रोविजन तो केवल 9,000 का है, प्रोविजन कितने का है? 9,000 का है। तो क्या प्रोविजन यहां से हम लोग केवल 9,000 लें? नहीं, हम पूरा 10 ले लेते हैं और ये अमाउंट हम रिवैल्यूएशन से ले लेंगे, तो बात बराबर आ जाएगी। अगर आप यहां पे 9,000 ही लेते तो देखो 1,000 तो इस बैड डेट के और चाहिए आपको, वो कहां से लोगे? रिवैल्यूएशन से। और दूसरा, आपको जो नया प्रोविजन बनाना है 8,400 का, वो भी कहां से लोगे? प्रोविजन आप कहां से लोगे जी बताइए? आप लोगे रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन से नेट नेट टोटल कितना ले लिया? 1,000 तो इसके लिए लिया और 8,400, यानी 9,400 ही तो ले रहे हैं, वही मैं आपको लेने के लिए कह रहा हूं। सुनिए जी, आइए मैं इसे अभी यहां भी समझा दूंगा, बस चार एंट्री करने दो, आपको क्लैरिटी यहां भी आ जाएगी जिन्हें यहां समझ नहीं आया। आइए, तो मैंने कहा जी मैं पूरा 10,000 ही डेबिट कर रहा हूं प्रोविजन को, ठीक है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट लिख लेना। टू क्या करेंगे? टू बैड डेट, यानी ये जो नुकसान था इसे हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कहां से एडजस्ट कर लिया? प्रोविजन से 10,000 का, ठीक है। लॉस या बैड डेट, बैड डेट लिख लो, चलो बैड डेट ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन अकाउंट, आपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया इसको। आइए जी थर्ड एंट्री पर आ जाओ। अब थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? हमारी एक तो एंट्री होनी है, या इसी एंट्री को कर लेते हैं, सुनो जी, ठीक है। हमें प्रोविजन और कितना बनाना है? अब 9,400 का बोला है, प्रोविजन बना रहे हैं तो नुकसान है एक तरीके से, पीएनएल से प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। तो पीएनएल से प्रॉफिट को निकालना या फिर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट को निकालना, उसकी एंट्री क्या होगी जी? सुनिए, यानी हमें क्रेडिट डालना है प्रोविजन में, तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है जी। बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाया कितने का? अभी हमने वर्किंग नोट में बनाया है 9,400 रुपए का। 9,400 की आपको प्रोविजन चाहिए। जर्नल एंट्री क्या कर लीजिए? प्रोविजन क्रिएटेड वर्किंग नोट नंबर 1 दे दीजिए इसको।
प्रोविजन और क्रिएट कर लिया आपने, और अमाउंट जो निकाला कहां से निकाला है, ये वर्किंग नोट आपका वन, ठीक है। अब इस वर्किंग नोट को हटा दो जी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे आगे की जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आइए जी आगे की जर्नल एंट्रीज करें। हाँ जी, तो एंट्री नंबर फोर हम लोग कर रहे हैं आपके साथ, फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या होगी, हमने अभी तक केवल पॉइंट नंबर वन डील किया है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं गया आगे, ठीक है जी। आगे चलिए जी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो वो हमें कंसिडर कर रहे हैं, यानी नुकसान हो रहा है, नुकसान को कहां डालोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, किस लिए, पहला पॉइंट नंबर वन कहता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स को क्रिएट किया जा रहा है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना का करना है आपको, 20,000 रुपए के, नुकसान हो गया जी, रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया इसके कारण, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला क्या है, हमने सेकेंड एडजस्टमेंट डील कर लिया, प्रोविजन बनाना है लीगल डैमेजेस के लिए 25,000 का, तो ये भी नुकसान है, प्रोविजन बनेगा तो क्रिएट होगा, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अकाउंट, कितना लीगल डैमेजेस के लिए, 25,000 का प्रोविजन है, ठीक है। इसके बाद आइए जी नेक्स्ट चले, देयर इज अ लायबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लायबिलिटी है तो नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो आइए लायबिलिटी क्रिएट करें, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम पर कितना बनाना है हमें, 15,000 की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। टोटल करेंगे एक साथ रिवैल्यूएशन का, जहां जहां नुकसान हो रहा है ना वहां वहां रिवैल्यूएशन डेबिट होना है, तो एक साथ ही कर लेते हैं उनको, आइए। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर फाइव, क्रेडिटर्स हैज टू बी रिड्यूस, तो ये फायदा ही अगली एंट्री में करेंगे, इसमें नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर फाइव सभी छोड़ देना, पेंडिंग है, और देखो कहीं नुकसान है तो, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है ये भी फायदा है, ये भी नहीं लिखेंगे। प्लांट को रिड्यूस किया 180 पर, बुक में वैल्यू कितनी है, 2,00,000 रुपए, तो 20,000 का नुकसान है, इसे भी यही लिख लो, प्लांट की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो प्लांट क्या होगा, क्रेडिट होगा, प्लांट अकाउंट कितने से, 20,000 से। चलिए जी अब इन सबका टोटल करो, 40, 50, 60, 70, 80, 80,000 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो आप एक बार चेक करो जी क्या 80,000 आ रहा है आप लोगों का भी, हाँ जी ठीक है 80,000 आ रहा है, तो ये लीजिए 80,000 से आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिवैल्यूड, सन्ड्री क्यों लिखा मैंने, इसमें काफी एसेट्स और लाइबिलिटीज थे, एक साथ इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने रिवैल्यू कर दिया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, हाँ जी, तो हमने जहां जहां पे नुकसान हुआ है रिवैल्यूएशन में उसे डाल दिया, एक नुकसान और भी हुआ था जो प्रोविजन बनाई थी उसके लिए रिवैल्यूएशन को पहले ही डेबिट कर चुके, आप चाहते थे इसको भी, इन दोनों को एंट्री को भी कंबाइंड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां जहां फायदा हुआ है उसे और लिख लें, आइए एंट्री नंबर फाइव करें, फायदा कहां कहां हुआ है ढूंढे जरा, हमने कौन कौन सी एंट्री स्किप की थी, हमने वन कर लिया था, सेकेंड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया था, फिफ्थ छोड़ा था, जहां पे क्रेडिटर्स को रिड्यूस किया गया है तो बेनिफिट हुआ है रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स डेबिट होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, 8,000 से, 8,000 से क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए तो आपको बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे, बट एक साथ और कोई चीज देख ले है तो। इसके अलावा स्टॉक को इंक्रीज करना था 15,000 से, स्टॉक को डेबिट कर दो, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000। चलिए जी तो इन दोनों को कहां ट्रांसफर कर दें, रिवैल्यूएशन में, इनके कारण रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, 15 और 8 23,000 हो गए, 20
3000। नरेशन लिखो, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक रीवैल्यूड। चलिए जी, इसके बाद आइए सिक्स्थ एंट्री पर। सर सिक्स्थ एंट्री क्या करें हमें तो नहीं पता। सिक्स्थ एंट्री सुनिए जी क्या होगी, हमने जितने भी एडजस्टमेंट्स थे सबको कर लिया, इसके बाद अब रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स में। तो देखिए जी, रिवैल्यूएशन यहां पे डेबिट हुआ है। आइए मैं इसे यहां वर्किंग नोट में समझाता हूं इस बात को, आपको यहां देखिएगा, गेन या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वैसे ये बात हमें आगे भी पता लग जाएगी जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, वहां इजीली से बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। बट मानो कि रिवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है तो क्या करें जी, सुनिए, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है पहले कितने से, 9400 से। उसके बाद रिवैल्यूएशन फिर डेबिट हुआ है 80,000 से, ठीक है, यानी नेट डेबिट कितना आ गया, 89,400, ठीक है। चलो लिख, नेट मत करो, अलग अलग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 23,000 से, कितने से, 23,000 से आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। तो आप क्या कीजिए, दोनों डेबिट्स में से यानी 89,400 में से 23,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्या करो, 89,400 में से 23,000 माइनस करो, 89,400 में से 23,000 गए, कितना आ गया जी, 66,400। मैंने क्या कहा, ये दोनों में से इसे प्लस रखो, इसे प्लस रखो, इसे माइनस करो, तो नेट क्या आ जाएगा, 66,400। ये क्या आ गया, ये डेबिट आया। डेबिट आने का मतलब क्या है, आपका डेबिट साइड ज्यादा था रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, बैलेंस डेबिट का आ गया, यानी ये क्या है, लॉस है। इसे आप क्या बोलेंगे जी, लॉस। अब ये अगर लॉस है तो इसे पीएसआर में बांटना पड़ेगा, ठीक है। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन पीएसआर, दैट इज 5:3:2। क्वेश्चन ने बताया था ये हमारी क्या है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आइए पीएसआर में बांटे हम लोग इस 66,400 को, और वो बांटने की एंट्री ही करनी है बस। तो पहले यहां कैलकुलेशन कर लें, ए को क्या मिलेगा, 66,400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, वैसे इसे 50% भी कर सकते हो, 33,200, 33,200 रुपए आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से सही है, फिर भी आप चेक करना। 66,400 को 3/10 और 66,200 को 2/10। चलिए जी, बताओ मुझे कैलकुलेट करके बी का अमाउंट कितना, ए का इजी था मैंने निकाल दिया, आप बताइए बाकी का। बी का कितना बता रहे हैं, 19,920, ठीक है, 19,920 शेयर लॉस में किसे मिला, बी को मिल गया। और सी का और बता दो जी, सी को कितना शेयर मिलेगा, कितना, 13,220, 13,220 रुपए, ठीक है। चलिए, तो ये लॉस ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन का, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, और जो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन का उसे क्रेडिट कर दोगे तो लॉस खत्म हो जाएगा, यानी उस लॉस को आपने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, रिवैल्यूएशन को। आइए जी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जी, अमाउंट कितना है, 33,200, 19,200 और 13,220 रुपए, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 66,400। नरेशन क्या आ जाएगी, नरेशन आ जाएगी जी, सॉरी यहां लिखिए थोड़ा सा इसे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू
ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में आपने रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया। यहां तक हमारी जर्नल एंट्री सारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट पार्ट बचता है कि क्वेश्चन ने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट और बना के दिखाओ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है, जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो, जहां जहां या जिन जिन कारण से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है उनको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। चलिए मेरे साथ आइए, हम इसे करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कितना, मैंने ये गलत लिख दिया, कितना है, 13,280 है, ठीक है, सॉरी जी, ये बच्चे कह रहे हैं ये 280 है, 280 है, तो फिर बाकी कहां गया, 20 कौन सा है, ये है, एक बार चेक करके बताओ जी। बच्चे कह रहे हैं हमने कुछ मिस्टेक कर दी, तो बताइए कितना कितना है। अच्छा ये 19,000 कितना है, ये 19,920 है। अच्छा मैंने 200 लिख दिया 19,000, तो यहां भी मिस्टेक है फिर, तो है ना, यही सही करा दो। ये कितना है 19,920 और ये 280, यही है ना। चलिए जी तो इसे सही लिख लो जी, मैंने गलती कर दी, ये 1920 नहीं 920 और ये 280, ठीक है। अब ठीक है जी, चेक कर लीजिए एक बार, कोई गड़बड़ हो तो बता दीजिए। तो ठीक है, हम इसे इरेज कर देते हैं। अब हम सीधा कहां आ रहे हैं आपके साथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। तो इसे नोट डाउन कर लो यहां तक। हाँ जी, तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय कुछ नया नहीं करना, कोई कैलकुलेशन मत करना, सीधा अपनी जर्नल एंट्रीज को उठा लो। देखो आपने जर्नल एंट्री में सबसे पहले रिवैल्यूएशन कब यूज किया था, आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था प्रोविजन बनाने के लिए। तो रिवैल्यूएशन को सबसे पहले आपने डेबिट किया था टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है जी, बैड डेट अकाउंट, कितने से, 9,400 से, याद है ना, पहली एंट्री की थी हमने ये, ठीक है। इसके बाद अगला फिर हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था किन किन चीजों के कारण, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के कारण, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, थोड़ा स्पेस मैंने कम लिया हुआ है तो मैं अकाउंट को थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। कितने से किया था क्रेडिटर्स को, 20,000 को, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था क्रेडिटर्स के कारण 20,000 से। फिर आपने नेक्स्ट क्या किया था बताइए जी, नेक्स्ट आपने प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस बनाया था, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अकाउंट कितना बनाया था जी लीगल डैमेजेस के लिए, 25,000, ठीक है, 25,000 रुपए के कारण रिवैल्यूएशन यहां डेबिट हुआ था। और फिर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज के लिए 15,000 से डेबिट किया था रिवैल्यूएशन को टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, 15,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद आइए आप और देखिए और क्या कारण थे, एक प्लांट को और रिड्यूस किया था, प्लांट को क्रेडिट किया था, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था टू प्लांट अकाउंट, कितना, 20,000 रुपए से। तो इन इन रीजन से आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था जी। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी किया है दो चीजों के कारण, एक तो था आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक स्टॉक बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बाय स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर्स से हमने कितना क्रेडिट किया था, 8,000 को डेबिट किया था, नहीं 8,000 से सन्ड्री क्रेडिट डेबिट हुए थे और 15,000 से स्टॉक डेबिट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन इन दोनों के कारण क्रेडिट हुआ 8,000 से और 15,000 से। चलिए जी अब अगर देखें तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल करो जी, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 70 80, 80 और 89,400 आ गया जी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बाद में लॉस आया था, डेबिट साइड ज्यादा था क्रेडिट साइड कम था, तो लॉस कितना आया था आपको याद हो तो 66,400 का आया था। तो इस लॉस को ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में बाय कैपिटल अकाउंट्स
ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन पीछे करके दिखा चुके हैं। 33,400, 19,920 और ये शायद 13,220 था। जरा चेक करके बताओ अमाउंट यही थे क्या? मुझे मेरे से गलती हो सकती है, एक 980 था ना, कौन सा था? अच्छा 280 था ये, सॉरी ये 280 था। चेक कर लीजिए एक बार, कोई गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था क्वेश्चन में लास्ट में, वो भी आपने बनाकर दिखा दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।